बहुजन समाज पार्टी में पूर्व राज्य मंत्री रहे गंगा निषाद ने गुरुवार को समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया। उनके साथ उनके पुत्र पूर्व जिला पंचायत सदस्य सुरेंद्र निषाद ने भी समाजवादी पार्टी की सदस्यता ली। दोनों नेताओं की समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष प्रहलाद यादव ने माल्यार्पण करके पार्टी में स्वागत किया। इस मौके पर सदर सांसद परवीर निषाद, पूर्व मंत्री डॉक्टर मोहसिन खान, मनोरंजन यादव सहित अन्य पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सदर सांसद परवीर निषाद, सपा के जिलाध्यक्ष प्रहलाद यादव और पूर्व मंत्री गंगा निषाद ने कहा, जो हम लोग का उद्देश्य है और जो समाजवादी पार्टी का उद्देश्य है कि प्रदेश एवं देश में जितने भी पिछड़े समुदाय, चाहे वो किसी वर्ग से बिलोंग करते हो, चाहे किसी जात से बिलोंग करते हो, तो उनका उद्देश्य है कि पिछड़े समुदाय को उनका हक एवं हिस्सा मिलना चाहिए। तो इसी क्रम में आज हम लोग के अग्रज निषाद समाज के अग्रदूत माननीय स्वर्गीय जमुना निषाद जी के बड़े भाई इंजीनियर गंगा निषाद जी, जो सब कुछ अपना जीवन न्यौछावर कर दिए एक परिवार को आगे बढ़ाने के लिए, तो आज फिर से संकल्प लिए हैं कि जो महाराजा निषाद राज जी की भूमिका थी और उनके जो विचारधारा है उनको आगे बढ़ाने के लिए अपने सबसे बड़े लड़के आदरणीय सुरेंद्र निषाद जी के साथ समाजवादी पार्टी ज्वाइन किए हैं और माननीय अखिलेश यादव जी के विचारधारों को जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे और 2019 में जो है समाजवादी पार्टी के झंडे को फिर से गोरखपुर में जो इतिहास रचने का काम साइलेंटली रूप से हुआ था, खुल के समर्थन करने का आज प्रयास करेंगे। आज पिपराइज विधानसभा के पूर्व राज्य मंत्री इंजीनियर गंगा प्रसाद निषाद जी के सुपुत्र सुरेंद्र निषाद जी समाजवादी पार्टी की सदस्यता लिए हैं और माननीय इंजीनियर गंगा प्रसाद निषाद जी राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिल करके समाजवादी पार्टी के साथ आकर के काम करने के लिए उन्होंने एक प्रेस वार्ता बुलाई है और उसी तारतम्य में हम लोग आए हैं आप लोगों से बताने कि गोरखपुर में क्योंकि निषाद राजनीति को आगे बढ़ाने वाले स्वर्गीय जमुना निषाद के बड़े भाई हैं और ये लगातार एक निषाद विकास मंच के माध्यम से निषादों को जोड़ने का भी काम किया है, तो सामाजिक कार्यों के साथ साथ राजनैतिक कार्य में हाथ बटाने इनके पुत्र जिला पंचायत सदस्य भी रहे हैं, तो इन लोगों ने समाजवादी पार्टी को समर्थन दिया है, समाजवादी पार्टी की सदस्यता ली है। आवश्यकता तो आज समाज की ज़रूरत है इसलिए पड़ गई। समाजवादी पार्टी में से तो हम बहुत पहले से थे, जो हमारे छोटे भाई जमुना निषाद समाजवादी पार्टी की राजनीति शुरू से करते रहे, तो उन्हीं के पीछे रह करके हमने सारी मदद उनको हमेशा किया था और बैकडोर से हमने सब कुछ किया, क्योंकि हम नौकरी में थे इसलिए सक्रिय राजनीति हम नहीं करते थे। लेकिन अब उनके न रहने के बाद से हम देख रहे हैं कि ये सामाजिक आंदोलन हम लोगों का कमज़ोर पड़ रहा है, तो इसलिए आज ज़रूरत महसूस हो रही है कि सामाजिक आंदोलन को आगे बढ़ाया जाए, निषाद समाज को उनकी शिक्षा का, स्वास्थ्य का और अनुसूचित जाति की सुविधा दिलाने की बात के लिए जो है अब हम लोग कमर कस लिए हैं और इस मुहिम को आगे बढ़ाएंगे और इस लड़ाई को अंतिम मुकाम तक पहुंचा करके अपने समाज को ये सारी सुविधाएं दिलाने के काम करेंगे। जी जमुना निषाद पहले हमारे भाई रहे, उसके बाद पत्नी आई और उसके बाद बेटा हुआ, लेकिन भाई तो मेरा पहले रहा है, इसलिए जमुना निषाद को जो भी ज़रूरत पड़ी, जैसे भी पड़ी, आगे बढ़ाने का काम हमने किया। अब उनकी पत्नी और उनका बेटा अगर समाजवादी पार्टी के नीतियों से, कार्यक्रमों से उनको किसी तरह की दिक्कत है तो वो छोड़ करके भाजपा के शरण में गए हैं। अब हो सकता कि भाजपा की नीतियां उनको ज़्यादा पसंद आए तो इसलिए वो गए हैं। हाँ, हमने जो है अब राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने के लिए और समाज को न्याय दिलाने के लिए, आरक्षण दिलाने के लिए,
हमने ये जब सक्रिय राजनीति शुरू किया है।